फाइनली जी आज हमें पता चल गया है कि जिया का लेबर पिन क्यों नहीं आ रहा, जिया की डिलीवरी क्यों नहीं आ रही, बाबू को आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। सोकर उठ गए हैं जी, अभी आए हुए हैं थोड़ा पानी भरने के लिए। इसमें पानी भर करके जाएंगे, थोड़ा सा बॉल में डालेंगे पानी और थोड़ा सा पानी गर्म कर सुबह उठ करके दो गिलास गर्म पानी पीते हैं। समय असल में हमें उठने में नहीं लगा, समय असल में जिया को उठाने में लगा है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है आलस उसका थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं जल्दी से सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा, चंगा होगा। तो जिया भी उठकर आ चुकी है जी, और जिया यहाँ पर देख रही है दही जमा है कि नहीं। रात में उस काले कपड़े से जो है और अच्छा खासा जम चुका है, और इसको फ्रिज में डाल दो अच्छे डैडी खाने के बाद। वो था हमारा बोनजो, उस बोनजो का यही इस्तेमाल होता है दही जमाने के लिए। बोनजो पहनते नहीं है क्या करें, तो अब सीधा चलते हैं ऊपर टहलने के लिए। जिया आ जाओ, तो हम लोग आ गए जी छत पर। मौसम इतना जबरदस्त है कि पूछिए मत, मजा आ रहा है। और वहाँ पर देख रहे हैं सनराइज होने वाला है, ऐसा करते हैं वो सनराइज का टाइम लैप्स ले लेते हैं। तो उधर सूर्य देवता जो है अच्छी खासी अब नजर आ रहे हैं, हो सकता है कुछ देर में जो है उनका प्रकोप जो है हम लोग को दिखने लग जाए। तो पहले हम लोग अच्छा खासा राउंड मार लेते हैं ताकि जो हमारा सुबह का गोल था वहाँ करने का वह पूरा हो जाए। चलो जिया तेजी में चलो अब। जी वॉक करके ऊपर जब थे तो मौसम को उतना पता नहीं चल रहा था, जब नीचे आए हैं तब देख रहे कितना चिपचिपा है अंदर। उधर से जो है कल हम अपना ब्लॉग एडिट नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की हमने, भी आधा तो एडिट कर ही लिए कैसे कैसे करके, लेकिन आधा हम बोले अब नहीं करना, छोड़िए इतना उल्टी हो रहा है, कल करेंगे। तो ऐसी है गर्मी की हालत। तो फाइनली जी इस लैपटॉप को कर दिया है रीसेट और आज इसको अपडेट कर दिया है। जब से मैकबुक आया हुआ था तब से इसको यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन कहेंगे जी लैपटॉप था दमदार, बहुत अच्छे से यूज किया और बहुत साथ दिया इस लैपटॉप ने। इसमें SSD हार्ड डिस्क है तो बहुत काम किया इसके ऊपर। सोच रहा हूँ कि जिया को जो है लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं आता है, जिया को सिखाऊंगा, और जो कुछ काम वो अपना मोबाइल पर कर रही होती वो काम अब जो है उसका कुछ पार्ट काम जो है यह लैपटॉप पर भी करे, कि लैपटॉप भी कंटिन्यूसली यूज में रहे, वरना अगर यह यूज में नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत भी आ सकती है लैपटॉप में। चलते हैं जल्दी से, चल करके थोड़ा स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद ही काम पर बैठेंगे, काम करने में भी मजा आएगा। और इधर माँ जो है काम में लग गई है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं करेला है, तो आज लग रहा है करेला का भुजिया बनेगा या करेला का भरवा बनेगा, क्या बनेगी? करेला का भरवा और भिंडी का भुजिया और मूंग की दाल। अच्छा, रोटी चावल दही चूड़ा खा के हस्बैंड कचहरी गए, सबको जो मन होगा अपना खाएगा, सत्तू पिएगा, फल खाएगा, कोई चूड़ा दही खाएगा। दूध है कि नहीं? दूध नीचे में है, बनाना से बना देते हैं। और आज जिया का हालत जो है थोड़ा सा लग रहा है खराब, क्योंकि सुबह से जो उठी है उठ नहीं पा रही है, पेट में दर्द है, पैर में, पीठ में दर्द और पैर वैर सब में पूरा। यहाँ देख सकते हैं जी एक गुलदस्ता गिरा है, उसके बाद दूसरा भी गिरा हुआ है। जिया यहाँ बैठी रहती है, शुक्र है कि यहाँ पर अभी नहीं बैठी हुई है, यदि इसके सिर पर गिरता है इसका सिर फूट जाता है। बाहर आ रही है बहुत तेज आंधी, आंधी है या बस हवा है तेज? आंधी लगता है आएगा, अभी धीरे धीरे स्टार्ट, लेकिन अच्छा है कि बाप रे बहुत गर्मी है, मर जाएंगे इसी तरह। बारिश का तो कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा मुझे, सूर्य भी है उधर और हवा भी काफी तेज है, लेकिन मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया है, ऐसे ही हवा बहते रहे मजा आता। अच्छा, उस साइड थोड़ा थोड़ा सा बादल नजर आ रहा है। जी हमारा जो थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन का काम था इंस्टाग्राम का, वो सब हम कर लिए और अब हम जाएंगे छत पे, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, जबकि फैन ऊपर भी चल रहा है और नीचे भी चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इंतज़ार कर रहे हैं, पतिदेव का काम खत्म होगा फिर हम लोग चलेंगे छत पे, थोड़ा देर बैठेंगे फिर आएंगे। भी आ चुके हैं जी, अब हमसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पर, इतनी गर्मी है यहाँ पर पूछिए मत। अब ऐसा हाल होने लग गया पता नहीं क्यों, थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा होने लग जाता है, इनको गर्मी से हो जाता है, पता नहीं ये शाम में ही होता है और सब टाइम बिल्कुल शाम के टाइम, और हाथ पर चल जाती है तब ठीक हो जाता है। हाँ, वो यहाँ भी इस रूम में भी रहते हैं तो ठीक रहते हैं, अगर उधर काम कर रहे होते हैं तो फिर उनको पता नहीं क्यों हो जाती है उल्टी। तो चलते हैं अब हम लोग छत पे।
तो फाइनली जी छत पर से तो आ गए हैं और आते ही जो है जिया वहाँ पर अपना लेट गई है और हम जो है अब टीवी ऑन कर रहे हैं, टीवी में देखते हैं कुछ अच्छा दिशा मिले तो। प्राइम का सब्सक्रिप्शन है ही, एक मूवी अधूरा रह गया था उसको पूरा कर लेते हैं, कुछ ही देर में खाना भी लग जाएगा, इतना मूवी इतना देर में देख पाते हैं, देख लेते हैं। आज उठने में हो गया है थोड़ा सा लेट, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अच्छी बात ये है कि धूप नहीं है प्रॉपर, तो चलिए ये अच्छी बात है, हम कुछ ऐसा ही रहे जब तक हम अपना वॉक कम्प्लीट। और ऐसा लग रहा है कि डैडी आज थोड़ा पहले उठ गए हैं और जब तक हम आए छत पर तो देख रहे हैं सभी में पानी डल चुका है। हमारा वॉक तो हो गया जी कंप्लीट और देख रहे हैं सूर्य देवता अभी तक नजर नहीं आए। सूर्य देवता जी नाराज नहीं हुई, अब आ जाइए क्योंकि वहाँ पर देखिए हमने मोबाइल लगा करके रखा हुआ है टाइम लैप्स लेने के लिए कि आप जैसे प्रकट होंगे तो सनराइज का हम लेंगे टाइम लैप्स, लेकिन राइज हुआ ही नहीं तो ना ही टाइम लैप्स आया। चलो जिया को छत पर बैठने में बड़ा आनंद आता है, नीचे जाने के नाम पर जो है जिया गर्मी नहीं लगता है। हम लोग ऊपर से, हम लोग का फर्स्ट फ्लोर है ना तो छत पर डायरेक्ट हीट आता है। सब खिड़की सब बेकार है, कोई काम नहीं दे रहा है इसमें। धूप आती है। आगे जी वॉक करके अब सीधा जाते हैं, नहा लेते हैं, नहा करके एकदम पूरा हो जाएंगे फ्रेश। बजा के नहीं नहाएंगे आज, चुटकी बजा के नहीं नहाइएगा, कल जैसे चुटकी बजा के नहाएंगे। नहीं आज नहीं करेगा, आज चुटकी काम नहीं कर रहा है। जाते हैं बाथरूम से तुरंत नहा के आ जाते हैं 2 मिनट। यहाँ पर जिया काट रही है झिंगली, तो झिंगली जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो हमारे लिए कुछ अल्टरनेट उपाय किया जाए। आलू का भुजिया बनाएंगे। आलू का भुजिया, चलो कोई नहीं वो खा लेंगे, वो भी सबको अच्छा है। मूंग के दाल में देख के उसका बनता है बहुत सुंदर लगता है, तुम लोग का तमाशा हम नहीं लगता। जो बनता है आसानी से खाओ। नहाना तो हमारा हो गया, अब चल रहे पास के किराना दुकान, वहाँ से कुछ सामान लाना है तो जा करके ले आते हैं। भाई साहब अभी 8 भी नहीं बजे हैं और धूप हो चुकी है इतनी तेज कि पूछिए मत। अभी तक कुछ देर पहले शिकायत कर रहे थे कि सूर्य देवता नजर नहीं आ रहे, अब सूर्य देवता आ गए तो उनका प्रकोप भी दिख रहा है। तरफ दीजिएगा एक। हाँ एक दीजिएगा, कितना हुआ बता दीजिए टोटल। 66 है इसका, 65 ये होगा, 5 का 85 90। ले लिया जी सारा सामान और धूप का क्या बताया जी, 8 बजे से धूप है तो मुझे तो 10 या 11 बजे करीब निकलना है, कुछ काम है आज। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जाएंगे कैसे इतनी धूप में, हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हमारा लगा हुआ है खीर, तो जल्दी से इस कटोरी को खत्म करते हैं खीर का। और यहाँ पर देखिए आम का बहुत सारा आम है, यहाँ पर कुछ दिन बनाए थे ना, खत्म हो गया, बच्चों को ज्यादा पसंद है और आम भी घर में जमा हो गया है जिया के मायके से। अच्छा। इसलिए उसको किसी तरह तुमको समाप्त करना, तो कुछ कच्चा भी बना देना। तो आज कच्चा नहीं बनाए जी होता है, और हम कच्चा आम हम नहीं बनाए। तो भाई साहब मजा आ गया, नाइस, बहुत सुंदर खीर एकदम लग रहा है, खोआ से भरपूर है एकदम। खीर ही अच्छा लगता है, माँ लोग बनाती थी ना। और आज ना फ्रिज का जमाना है, जैसे गांव में हम लोग थे तो वहाँ तो कोई फ्रिज नहीं था, फिर भी माँ लोग बना के उसको पानी कठौती में पानी डाल करके उसमें खीर को रखती थी और बच्चों को सुन देती थी, कहते बसिया खीर खाइया तो निक लगता तो। बिल्कुल जी, बासी खीर ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। हम लोग गाँव से ही आए हैं, मेरा माँ बाप एडुकेटेड बहुत थे, उसमें दो मत नहीं, लेकिन आए गाँव से, उन्हीं का देन है जो शहर में सब कुछ। यहाँ जिया का बनाना शेक तैयार है, तो ले लो। ऐसे क्या देख रही है, मुंह मत बना, सब सब पी लो जल्दी से। आपको पता है हमको भी कुछ पीने मन नहीं करता। नहीं मन करता है तो भी पीना है इसमें। तुम जो है बनाना शेक पी, हम तो खीर खाए मजे में, तो खड़ा वाला खीर। कौन मना किया? मजेदार खीर था, दूध एकदम जला हुआ जबरदस्त। वैसे भी बासी खीर जो होता है बहुत अच्छा लगता है खाने में। बासी खीर का तो मजा है ही अलग, और जम जाता है एकदम खोआ के तरह। चलो कोई नहीं, हम चलते काम पर, खत्म करो उसको, मोबाइल रखो साइड में। पे देख सकते हैं पतिदेव काम कर रहे हैं जी। अभी हम अपने काम पर बैठे हुए थे, फिर जिया बहुत प्यार से बुला करके लाई, सोचे क्यों बुला रही है, आखिर इतना प्यार क्यों है, हाथ में झाड़ू थमा दी कभी भूल जा रही है। क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जाता इसीलिए। पैसा लेंगे, बिना पैसा के नहीं करेंगे।
आपका इतना काम करते हैं तो आप कितना पैसा देते हैं? सारा पैसा ले लेती है, एक भी छोड़ती नहीं। एक आप मेरा नहीं छोड़ते, आप ही मेरा सारा लेते। बहुत ही महंगा रेट है तुम्हारा एकदम। चलो पकड़ो कोने में चुन चुन के सब करवाए। जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता हम क्या करें। कहाँ है वो? ये यहाँ देखिए, इधर इधर देखिए, वहाँ कोने में कुर्सी लाना पड़ेगा। इस पे सोफे पे चढ़ के हो जाएगा, इतना दूर से नहीं होगा। हो जाएगा। ये पकड़वा जा रहे अपने काम पर। अब हम लगाएंगे झाड़ू, आज मामी आई नहीं है। One eternity later. शाम के समय और दिन के समय कभी कदार ही आते हैं छत के ऊपर, क्योंकि हमेशा जो है काम में ही लगे रहते हैं। शाम के टाइम में शाम के 4 से 9 बजे तक पूरा मेरा जो शेड्यूल रहता है बिल्कुल टाइट रहता है। और जब अभी आए हैं शाम में तो देख रहे हैं पीछे अरहुल फूल अच्छा खासा खिला हुआ है। देख सकते हैं कितना अच्छा खासा फूल खिला हुआ है। यह बता रही है कि इसमें से बहुत सारा फूल को जो है तोड़ा जा चुका है पूजा के लिए, फिर उतना छोड़ दिया गया है। सारे कपड़े जिया यहाँ पर फैला रही है, आपके फैला रही है, मेरे नहीं, मेरे बस एक ही है। पता चल गया है कि जिया का लेबर पिन क्यों नहीं आ रहा, जिया की डिलीवरी क्यों नहीं आ रही, बाबू को आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। वैसे हमें इसके बारे में पहले थोड़ा सा अंदाजा था, जिया की बुआ ने भी कहा था कि फर्स्ट बेबी है, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी 10-12 दिन वेट करना, क्योंकि हमारा भाई जो है गोलू वो 9 मंथ कम्प्लीट होने के बाद भी 12-13 दिन बाद आया था। तो हमारी बुआ बताई थी कि फर्स्ट बेबी है तो टाइम लगेगा, इसलिए चिंता मत करना, टाइम लेके ही आएगा, वो पहले नहीं आएगा। हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वहाँ तो भाई साहब कह रहे थे पॉसिबल ही नहीं है कि 12 को डिलीवरी हो जाए, डेट जो है आपका 24 और 25 के करीब रहेगा। तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, हमें लग रहा था कि बस वैसे ही अल्ट्रासाउंड में कुछ आ गया है। और जो अपने जान पहचान के थे, आसपास के रिश्तेदार थे, उनका तो साफ कहना था कि जो रिपोर्ट 3rd month में आता है उसी का डेट एक्यूरेट होता है। और आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट भी देखा था कि हमारा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था या फिर 3 months में जो हमने करवाया था तो वही डेट रहता है, वही डेट रहता है, ज्यादातर लोगों का ही कमेंट था। फिर हम भी वही सोचने लगे कि हमारा भी वही डेट रहेगा। हमें लगता है हमारी बुआ और अल्ट्रासाउंड करने वाले भैया जो थे ना, दोनों का प्रेडिक्शन सही था। तो आप लोग बस अब हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि जब भी आए एकदम स्वस्थ आए, मस्त आए। हमारी और आपके से सोचने से कुछ नहीं होने वाला जी, अभी तक तो यही लग रहा है, जो भी होना है भगवान की मर्जी से होगा, भी भगवान की इच्छा हो जाएगी, दिन जो है बेबी हम लोगों के बीच में होगा, बस हम लोगों के हाथ में है उसके लिए दुआ करना कि अच्छे से जो है जच्चा और बच्चा दोनों का केयर करना। केयर करने में कोई कसर रह गई है? बिल्कुल। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।